अहम किस बात का साहब, जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमीन पर आने में उन्हें वक्त नहीं लगता। अहम ने तो किसी को भी नहीं बख्शा। अयोध्या से वापस आने पर माँ कौशल्या ने श्री राम से पूछा, रावण को मार दिया? तब भगवान श्री राम ने बहुत सुंदर जवाब दिया, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रखंड पंडित, महाशिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्त्रोत के रचयिता लंकेश को मैंने नहीं मारा, उसे मैंने मारा है। मैं अहंकार अहम इसने किसी को भी नहीं बख्शा। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ देंगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएंगी? किस तन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा के बोझ को उठा नहीं पाएगा? भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। ज्ञान, धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तीनों में बहुत प्यार था। एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया, हम कहाँ मिलेंगे? ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर विद्यालयों में मिलूंगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप था। ज्ञान और धन ने विश्वास से पूछा, तुम चुप क्यों हो? विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। अपना स्वभाव शून्य के जैसा रखिए। भले ही कोई आपको गिनती में ना ले, पर जिसकी बगल में आप खड़े हो जाएं, उसकी कीमत जरूर बदल देंगे। सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है, घड़ी सस्ती है, समय महंगा है, शरीर सस्ता है, सेहत महंगी है, रिश्ता सस्ता है, निभाना महंगा है। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए।